जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो हमारे हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बताने वाले हैं, ठीक है। वो आपका कॉन्सेप्ट है फास्ट। आखिर फास्ट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आखिर फास्ट सेंटेंस में कैसे पूछा जाता है, अगर क्या मतलब। एक और कंफ्यूजन रहता है कि फास्टली इंग्लिश में होता है या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर। तो आज हम बात करेंगे फास्ट। तो देखिए फास्ट जो वर्ड है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये वर्ड आई थिंक कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कैसे पूछा जाता है, तो देखिए ये फास्ट नहीं, ये फास्टली करके एग्जामिनेशन में देता है। आपको ध्यान रखना होगा कि फास्टली वर्ड जो है वो इंग्लिश में कोई वर्ड होता ही नहीं है, इतना ध्यान रखिए। क्यों नहीं होता है थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि फास्ट जो हमारा वर्ड है ना, वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव भी है और क्या है, एडवर्ब भी है, ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं कि कब ये एडजेक्टिव का काम करेगा और ये कब ये एडवर्ब का काम करेगा। बट एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि फास्टली वर्ड का यूज हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहता है, देखिए ही रन्स फास्टली, ही रन्स फास्टली। अब हम लोग कंफ्यूज यहां क्यों होते हैं थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि रन्स जो है वो हमारा मेन वर्ब है, यानी वर्ब है, और वर्ब का विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं। और हम लोग जानते भी हैं कि जनरली व्हेन वी ऐड ly इन द वर्ड, दैट वर्ड विल बी एडवर्ब। वो वर्ड हमारा जो होता है एडवर्ब होता है। बट फास्ट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, क्योंकि होता ही नहीं है। इसलिए फास्ट आपका एडजेक्टिव का भी वर्ब करता है और एडवर्ब का है, तो ही रन्स फास्ट होगा, ठीक है। अब अगला बात आइए समझते हैं कि कब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, कब ये एडवर्ब का काम करेगा। आइए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने लिखा कि ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट रनर, तो आप देख सकते हैं कि रनर हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है ना। रनर क्या है, नाउन है, और नाउन का विशेषता कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है, क्योंकि यू आल्सो नो कि आपका नाउन का विशेषता एडजेक्टिव बताता है। इसलिए यहां फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन हम यदि ऐसे लिखे कि ही रन्स फास्ट, तो यहां हमारा वर्ब है, और वर्ब है इसलिए फास्ट यहां हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का विशेषता कौन बताता है, तो एडवर्ब बताता है। यहां रन्स है, इस मतलब यहां रन्स यूज किया गया है और इसका विशेषता बता रहा है कैसे दौड़ता है, फास्ट, यानी एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब है क्योंकि यहां रन्स का यूज किया गया। रन्स मीन्स वर्ब है और वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे देखिए कि क्या फास्टर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि फास्टर हमारा क्या होता है, तो फास्टर कंपैरेटिव डिग्री होता है, फास्टेस्ट भी हमारा सही है, बट फास्टेस्ट भी सही है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फास्टली वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। फास्टली वर्ड का यूज हम नहीं कर सकते। जैसे और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, सी ठीक है runs fastly, यदि हम ऐसे लिखे तो यहां पर फिर से हमारा एरर हो जाएगा, क्योंकि runs हमारा वर्ब है, इसके लिए एडवर्ब चाहिए और एडवर्ब हमारा फास्ट ही होगा। फास्ट यहां एडवर्ब होगा क्योंकि वर्ब का विशेषता बताएगा। हम बोले ही इज अ फास्ट वर्कर, तो यहां हमारा एडजेक्टिव होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।